देख सकते हैं दोस्तों, ये नया नया चीज़ हमें आज जो है देखने को मिल रहा है। और बहुत सारा, कम से कम इस गांव में जो है 100 से ज़्यादा पत्थर था, लेकिन अभी जितना भी बचा हुआ है वो सारा पत्थर, अभी बड़ा पत्थर है, छोटा पत्थर है, जा करके सामने से देखने की कोशिश करते हैं ये क्या है। हम लोग का अच्छा, 10 भैया डेट हो गया है। 10 भैया का कहानी है इसमें दर्शाता है ना। अच्छा, यहाँ भी वहाँ भी है, प्रभु का। हेलो, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, आज जो है हम लोग पबीरा बस्ती जाने वाले हैं, और वहाँ के एक ऐतिहासिक पत्थर जो है वहाँ पे हम लोग देखने का मौका मिलेगा। तो वहाँ हम लोग जाके बात करेंगे, क्योंकि 10 भाई का, बुजुर्ग लोगों का कहानी है, 10 भाई जो थे इस बस्ती में, और इसी 10 भाई से पूरा गांव आज का जो है लोग बढ़े हैं। और 10 भाई के साथ जो है उनका कहानी जुड़ा हुआ है पूरा इतिहास के पन्नों पे, और वो लोग जो है अपना इतिहास को जो है कागज में या किसी भी जगह जो है वो लोग लेते नहीं है। वो लोग सिर्फ क्या है ना कि पत्थर में जो है गाड़ करके वो अपना इतिहास का जो है निशान बनाते, निशानी बनाते हैं। और वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। सो गाइस, अभी हम लोग जा करके हम लोग फिलहाल गांव में मिलते हैं। पबीरा आए हुए हैं, और यहाँ पे एक नया चीज देखने को मिल रहा है। और ये देख सकते हैं, पूर्वजों का सबसे बड़ा कहानी यहाँ पे आके समेटा गया है। और ये पत्थर को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि शहर वालों को ये चीज कभी देखने को नहीं मिलता है। तो दादा लोग से भी बात करेंगे क्या ये सब चीज है, उसको हम जब जानकारी लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या है। लेकिन अभी तक देखा जाता है कि हर गांव में जहां जाते हैं इसके बारे में तो हम लोग कभी चर्चा नहीं किए हैं, पूछे नहीं हैं, जाने नहीं हैं, लेकिन जानने का आज मौका मिलेगा। और दीदी भैया लोग सभी लोग हैं यहां पर, तो लोग से पूछेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये नया नया चीज़ हमें आज जो है देखने को मिल रहा है। और बहुत सारा, कम से कम इस गांव में जो है 100 से ज़्यादा पत्थर था, लेकिन अभी जितना भी बचा हुआ है वो सारा पत्थर, अभी बड़ा पत्थर है, छोटा पत्थर है, जा करके सामने से देखने की कोशिश करते हैं ये क्या है। तो देखा जाता है कि यहाँ पे जो है ऐतिहासिक झारखंड के जो रहने वाले जो है दादा लोग थे, उनका जन्म तिथि और उनका है मौजा थाना लापुंग जिला रांची झारखंड का रहने वाला है ना, सब चीज यहाँ पे लिखा गया है, खतियानी लिखा गया है, कब डेट किए हैं। मेन आदमी लोग का जो है एक निशानी है, जब पहले जमाने में कुछ भी होता था घटना या कुछ भी किसी कारण जो है लोग जो है स्वर्ग पधारते थे, तो इनका जो है कुछ ऐसे ही तरीके से जो है इतिहास के पन्नों में दिखाया जाता था। आज यही सब चीज है। और वो भैया है, बुजुर्ग भैया है, उनसे भी जा करके पूछते हैं आखिर ये क्यों किया जाता था, उनको जानकारी होगा। तो जाते हैं और उनसे हम बात करते हैं। तो ये दादा लोग हैं, और ये भाई है, और ये भैया है। दादाजी आपका लगभग 70-80 बरस हो चुका है, 60-62 हो गया है ना। तो हम लोग नया आदमी है, नया जनरेशन का। आप लोग पूर्वज का जो है इतिहास के धरोहर का एक निशानी है। तो ये पत्थर क्यों दर्शाया गया है दादाजी? इसको दर्शाए गए हैं कि जो जंगल झाड़ था ना, तो इसका बंसवारी था, जंगल झाड़ को छोड़ के बनाया जमीन है। जी, तो चचा मुंडा। जी जी। और उसके बाद इसका बंसवारी सोमार प्रभु, और चचा का यहाँ 60 हो गया। अच्छा, जमीन बनाया है का। अच्छा,
सुना भी हम लोग का घर है भैया को अपना चुपचा हाथ काट के जमीन दे दिया है, वो अपना खतियानी बना। अच्छा अलग से है जिससे वो अपना। हाँ भैया आपका क्या नाम हुआ भैया, तो कुछ बताइए कम से कम, हम लोग नया आदमी है भैया, हम लोग इस सब के बारे में जानकारी नहीं है। हम लोग का ये परंपरा से नियम है। जी जी हम लोग का आजा हुआ दादा हुआ परदादा जो भी हुआ वो डेट कर गया, तो कौन डेट में उसका जन्म हुआ था जी, मृत्यु हुआ, और जो हम लोग जैसे सदान लोग तो दशनाना बरवा करवा करते हैं। हाँ हाँ हम लोग करते हैं उसको किसी भी दिन करते हैं, क्या बोलते हैं पूछ महीने जनवरी फरवरी में अच्छा। मैंने पूर्वजों के एक निशानी है ना, धरोहर है। और कुछ आपको आपका नया जनरेशन में कुछ जानकारी है नहीं है, है ना, लेकिन आज हम लोग जानकारी मिला। हाँ महाराज लिखा है कि गांव, हाँ तो गांव पबीरा मौजा मौजा पबीरा जी थाना लापू जिला रांची का रहने वाला। तो कहां कहां से कोई कोई लोग आए, कुछ जानकारी उनकारी लेते हैं कि नहीं आप लोग से? लेते हैं। हाँ पूछता ही है, पूछता ही है। आखिर ये क्या चीज है ना, यही खतियान है। हाँ पूर्वज के खतियान है, निशाना राज हुआ तो फट जाए। कोर्ट को ले जाइएगा तो बंधा बनाएगा, लेकिन ये पुराना खतिया ना आजा दादू से कितना सोचा का धनसवारी सोमा प्रभु उसका साथ रहा, उसका प्रभु का भी पांच बेटा सोमा का भी पांच दस भैया अच्छा। दो बहन अच्छा, तब उसका दसवारी हम लोग का पिता अच्छा दस भैया डेट हो गया है। दस भैया का कहानी है इसमें दर्शाता है ना। अच्छा यहाँ भी वहाँ भी है प्रभु सोमा। अच्छा इधर प्रभु का है ना, हाँ प्रभु और सोमा का। हाँ वहाँ भी है। हाँ अच्छा उधर और है, लगभग 100 पत्थर से ज्यादा होगा है। फिर जो एक तो कृष्णा जो आसाम भूटान में है ना, हाँ हाँ उसका भी वहाँ माटी को चुकिया लेते हैं, उसका नाम से ही पकड़। अच्छा यहाँ मौजा है ना विधवा मुंडा, हाँ आसाम में। अच्छा निशाना है यहाँ का निवास। अच्छा अब जो दफनाएंगे उसको मरेगा तो सब मसला मिले जाएंगे, सुखा मिटा देंगे उसको बीच में, जब भी शक्ति होगा उसके लिए पखन गाड़ेंगे, उसके लिए खेवन करेंगे, भाई बहन को भी बुलाएंगे, उसके लिए खसी काटेंगे, फिर गाजा बजा के लाते हैं उसको, छुपा छुपाते जाएंगे उसको भरेंगे। अच्छा जितना भाई बहन है मामा मौजा को प्रेम से बुलाते हैं, कोई चावल लाता है, कोई खसी लाता है, कोई कपड़ा लाता है, एक दो दिन रहेगा राजी पार्टी से सब आएगा, आप तरफ जाइएगा इधर उधर तो बहुत ज्यादा है, इधर जाइएगा करण कुम्हारी इधर निचघाट उधर निचघाट उधर भी उधर भी साले गुटे शुरुआत उधर इधर खूटी जाइएगा खूटी पूरा लेके जाइएगा सोना हाथ। हाँ सोना तो गए हैं पूर्वजों के निशान। कहीं भी आसाम भूटान जो भी आदमी जाता है, लेकिन तो दुनिया नौकरी करता है लेकिन लाश नहीं, लाश नहीं। कहीं भी दुनिया में नौकरी करो लेकिन गांव का आदमी का लाश गांव में माना है, जो है ना, जो सिसाई वाला दिल्ली में था। हाँ उसका रिटाटोरी ने हम तो से टाइम में आदिवासी हॉस्टल में। अच्छा ये सही चीज है, दुनिया में कहीं भी कमाओ खाओ अगर मर जाओ तो गांव में आके दफनाओ अपना जन्म भूमि में, है कि नहीं? ये सबसे बहुत बड़ा नियम आज हम लोग को जानने का मौका मिला। ठीक है दादा, बहुत कुछ आप जानकारी दिए गांव समाज के बारे में, है ना, और भैया भी बहुत सारा जानकारी दिए, क्योंकि बहुत सारा जो है आजकल के नए जनरेशन का जो है लोगों को नहीं। उसके अलावा
कर्रा जो कर्रा थाना लाखों थाना बना तब हम लोग को रात अच्छा। रात धानी बहुत बन गया हम लोग को छुट्टी है इधर से तो ये जंगल तरफ से उधर हो गया गुमला गुमला जिसला हो गया इधर लाखों बेड़ो चांदो मांडो अच्छा मतलब कि इस जंगल इधर जो जंगल है इस पार गांव के उस पार उधर से आपको जो है गुमला जिला है ना सीसे थाना पड़ता है और ये बॉर्डर के अंदर घने जंगलों के अंदर गांव है कि नहीं पबीरा बस्ती। तो हम लोग पबीरा रांची जिला के सबसे सुंदर गांव पबीरा बस्ती यहां पे आए हैं और जाने का भी लोकेशन आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों आज पूर्वजों की कहानी दादा पूरा तहे दिल से हम लोग को बताएं क्योंकि हम लोग बहुत सारा ऐसा जगह जो है गांव समाज में जैविक जीवन स्थिति जो है परिस्थिति देखते रहते हैं गांव का जो है लाइफस्टाइल देखते रहते हैं जाते रहते हैं। तो आज हम लोग का जो दादाजी जो है उस पत्थर के बारे में बताएं जो पत्थर ये है जो वो जो पत्थर है वो पूर्वजों का मेन निशानी है वो जो है खतियानी है ना जिस खतियान से लोग जो है कहने का मतलब दादा ये बताएं कि हम लोग का जो है रजिस्टर मेंटेन जो होता था हो सकता है जल जाए आजकल तो ऑनलाइन हुआ लेकिन ऑनलाइन होने के बावजूद भी कागज वगैरह जो होता है का जैसे कागज हो जाए होता है जमीन जायदाद का तो सारा जमीन जायदाद का पत्थर का एक निशानी है एक धरोहर है एक ऐतिहासिक धरोहर है। तो गाँव में सबसे बड़ा चीज हम लोग का जानने को मौका मिला। तो भैया का नाम क्या हुआ सोमा मुंडा है ना भैया सब कहानी बता दिए गांव का और धन्यवाद भैया है ना ठीक। ड्राइवर का एक्सपीरियंस गांव का ड्राइवर का एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस देख सकते हैं बहुत ही काफ़ी अच्छा है और बालू वगैरह गिराया जा रहा है रोड बनने के लिए। जा 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 जा